बस मेरी तो यहाँ ही जिंदगी चली जाएगी, बहसन का दलिया बनाते रहो बस। जय हो माता रानी। ₹200 विनोद के और ₹150 सुनील के और ₹100 मेरे हो गए, मजा आएगा। अरे तू यू कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है, कहाँ हो वे? चाय पी रही हूँ, पापे खा रही हूँ, तुमको बना दूँ? पियाऊँ तो अभी चाय पियाऊँ? हे भगवान, अब बस यू ही दिन देखने को रहेगा यार घर में। अब तो मेरी चाय से भी दिक्कत होने लगी, मोको तो बस नरक ही बचा है। अरे बाबू चाय को मना ना कर रहा हूँ, पर आज तो व्रत होएगा ना तेरा? तब मेरा कहे बात का व्रत होएगा? ना करवा तो तू है आज का व्रत तो मैंने पिछले साल ही रखने छोड़ दिया तुमको, मो पे नाराज आता। बाबू ऐसा मत करे घर यार, पिछले साल से मेरे छाते में दर्द हो रहा। मैं क्यों व्रत रखू तुमको? तुमको तो व्रत धरने वाली भतेरी है। और बाबू तू तो शक कर रहे हो, मैं बहुत पत्नी का बहुत पत्नी व्रता आदमी हूँ। हाँ हाँ पूरे गांव में पता कितने पत्नी व्रता हो तुम। अरे बाबू यार मैं तो उसे प्यार करूँ, तू तो मो पे खम खम शक कर रही है। रख ले बाबू, देखियो तो कितना चांस पति मिलो। हाँ तो ठीक है धर लूंगी। रख लेगी तो ठीक है, चाय तो धर दे, चार पांच पापे नगटक गए जब सो। तो कैसे भूखे पेट व्रत रहूं मैं? कुछ तो खान दो। ठीक है खा ले, थोड़ा बहुत बुखार ही तो आएगा, मरूंगा तो ना कम से कम। और सुन लो, व्रत तो रख लूंगी मैं, पर तुम्हें आज पूरे दिन घर रहना पड़ेगा। पता चला फरार डोल रहे हो सांझ को और मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ, खा लूंगी मैं रोटी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी चाय तो पी लूं। कहवा कहवा का बात धरवाना पड़ रहा हूँ इन पे। अरे यार तू रखे मत रखे, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मोको मेरी सरिता बड़ धर लेगी भी बातें रहो मोको तो। तुम तो यार फालतू की बात कर रहे भैया। हम तुम एक बात बताएं साहब साहब, हम आज को जो लौंडिया बजी के चक्कर में पड़े ही नहीं। अच्छा भैया तुम खुद एक बात बताओ, आज भी हमसे बात कर रही, कल उनसे बात कर रही, परसों उनसे बात कर रही, जब कोई नहीं मिलो फिर हमसे बात करने लगी। हमका कोई खिलौना है का कि तुमने सेल डाल दे हम चालू हो गए, तुमने सेल निकाल दे हम बंद हो गए? आदमी बुकरियां चरा ले, लेकिन जब लौंडियाबाजी ना करे। मैं जब ही तो कहूँ तुम सब तू इन चक्कर में मत पड़े करो, ये लौंडियाबाजी चीज ही ऐसी है, दीमक है दीमक, जहाँ एक बार लग गई ना पूरा खत्म कर देगी। पर ऐसे ना समझावे कौन भाई, मैंने कहा कर दिया, मैं तो बात भी ना करता वासु। ओ कितना झूठ बोल रहा, परसों भाई बंदरिया गल डोल रहा है स्कूल का बंक मार के। अरे झूठ बोल रहा हम सुई, मैं तेनु कह रहा हूँ शपथ लो आज के बाद लौंडियाबाजी नहीं करेंगे। भाई मैं शपथ ले रहा हूँ अब ना करने का हूँ। भैया हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है नौकर नौ बस कदी कदी कर ले करूंगा। ना ना ऐसे काम ना चले। चल ठीक है नौकर नौ फिर। हाँ बस यही ताकत और साहस की जरूरत है हमें। तो भैया अब लौंडियन पे खर्चा नहीं करें, अब दावत कर लो, समोसा कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। समोसा पेप्सी ना ना, ना आज ना कल मंगाएंगे कल। क्या भैया समझे कर, आज ना कल मंगाएंगे कल 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 पक्का। भैया समोसा तो तुम्हारा फेवरेट है, तुम मना क्या कर रहे? अरे मेरा व्रत है आज भाई, आज करवा चौथ है ना, तो मैंने सेटिंग के मारा है करवा चौथ का व्रत धरा। अब तो बड़ी शपथ शपथ कर रहे थे भैया, अभी तो हमसे रस्में कसमें खवा रहा है। अरे यार तेने मोह ना बताई, सुबह सुबह मेरे भंडारे में पूरी सब्जी मार दी, ना तो मैं अभी व्रत धर लेता। तुम तो भैया दोनों ही बड़े खराब हो यार। तो भैया एक बात बताओ, तुम्हें अकेले व्रत हो तो बेबी व्रत है तुम्हारे लिए? मेरी बात ना हुई वासु, तो फोन कर ले एकदम। हाँ हाँ कर रहा हूँ, अभी पूछ के आ रहा हूँ ना। ये बहुत बढ़िया आदमी है यार। वैसे भैया तुम किन के लिए व्रत रहते? नौ मेरी बाबू झकरा वाकू, मैं बहुत प्यार करूँ यार वासु। हेलो बाबू। हाँ जी क्या हाल है मेरे बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे मैं तो खराब भी रहूँ ना तो तुझसे बात करते ही बढ़िया हो जाऊँ, तेरे तो नाम भी ऐसा खुशी। अच्छा और बताओ क्या हो रहा है? मैं बस पूछ रहा हूँ, कुछ खाना वाना खाया तूने? हाँ तो घर पे बहुत सारा खाना बना था, अब ये भी खा के बैठी हूँ। और आपने कुछ खाया? ना ना मैंने ना खाया। क्यों खाना क्यों नहीं खाया? मेरा व्रत है ना आज। व्रत? आपका किस चीज का व्रत है? करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत? पर आपकी कौन सी शादी हो गई है अभी? वो तो मानने या न मानने के ऊपर है ना, शादी न हुई तो क्या हुआ, बहू तो मेरी है ही ना दुनिया में। अच्छा बहुत ध्यान रखते हो अपनी होने वाली बीवी का। अरे और कहा, अच्छा लौंडा बनू न बनू, अच्छा भाई बनू न बनू, पर पति बहुत जोर को हूँ मैं। यार आप भी ना अलग ही चीज हो। माँ कसम जब से तुझे देखो है ना, कुछ और देखने को मन ही ना करता, तू ही दिखाई दे बस हर जगह। अच्छा और बताओ क्या हो रहा है? कुछ भी ना हो रहा, सुबह दोपहर शाम तो याद करने के अलावा कोई काम ना हो पाए, तू बता क्या हो रहा। अच्छा मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, मैं एक काम करके आई। अच्छा चल ठीक है,
पर याद सु कर लियो, मैं इंतजार करूंगा, है ना? हाँ हाँ मैं पक्का कर लूंगी। ठीक है बाबू। अरे कहा हुआ, बात ना हुई? भाई बात तो होगी, पर कुछ कौम आगा तो थोड़ी देर में फोन करेगी। ये कौन मस्तानी बकरा? ए ये दोनों समोसे लेने चले गए, तू इन्हें छोड़। नू पता ब्रत है तेरी बाबू? हाँ भाई ब्रत है वो, खाली पेट बैठी है बेचारी, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। है सही में यार? और कहा, मैं पहले कह रहा हूँ बहुत प्यार कर रहा हूँ मौसू। एक मेरी वाली है, आज के दिन में पिज्जा खाने कह रही है। अच्छा तू बता, जैसे तेरी वाली ब्रत है तो कुछ गिफ्ट भी देगा? हाँ भाई गिफ्ट तो दूंगा। पैसा आएंगे तो? पैसा का जुगाड़ तो मैंने पहले कर लिया प्रोमोसू। प्रोमो यू कहा है? प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ में तू सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर बड़े प्रॉफिट कमा सकता है बड़ी आसानी से। मैं अपनी नॉलेज का यूज करके प्रोबो पैसा कमा रहा हूँ। मैंने कितने कमा लिए अभी तक? देख जैसे अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप मैच हुआ, मैंने अपना ओपिनियन दिया, मोगा लाखन का फायदा। अच्छा जी। हाँ भाई प्रोबो पे कई तरह की कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, और तुझे पता 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ओपिनियन देकर पैसा कमा रहे हैं प्रोबो पे। देख जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हमें सवाल है क्या इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीतेगी? इंडिया तो आराम से जीत जाएगी, यस कर दो हमें तो। तो बस ये सेलेक्ट कर दे और क्वांटिटी सेलेक्ट उसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। अगर तेरे जवाब सही हुआ ना तो तू जीतेगा रियल कैश। तेरे पैसे निकलेंगे कैसे फिर? भाई गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई किसी की मदद से 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉल कर सके, और तो और मैच के दौरान अगले सवाल पे हाँ ना जवाब दे के तू इंस्टेंट कैश भी जीत सके। तो तेने पहले क्यों बताई फिर? तो भाई अब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ा, मेरे लिंक से डाउनलोड करेगा 25 रुपए का वेलकम बोनस और मिलेगा। अभी करूँ डाउनलोड? अभी का अभी अकेला मजा ले रहा। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ और बाबू सरिता? हाँ जी हाँ जी बोलो। और बाबू तेने भी पूरा दिन लगा दिया फोन करने में, मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या करूँ, गुल्लू के पापा अभी अभी गए हैं, अब भी टाइम मिला है। और मैं क्या कह रही थी, हैप्पी करवा चौथ। और मेरी जॉन हैप्पी करवा चौथ, मेरी जॉन हैप्पी करवा चौथ। तो पता मैंने भी तेरे मारा दोनों घड़ों की अड़ा बड़ा दर रखा, सुबह से मैंने दोनों अपना मुँह भी ना खोला, कभी मेरे मुँह में जीवाणु कीटाणु कुछ घुस जावे और मेरा बड़ा टूट जावे। अरे आप भी ना मजाक ही करते रहते हो। अरे यार तो भी मजाक ही लगता रहे, जहाँ मैं कैसे जिंदगी काट रहा हूँ तो बताओ। आज के दिन मोहब्बत है और शक्कर है, बेर बेर पूछा है कुछ खाओगे कुछ खाओगे। अरे यार वाकुर बताओ, मैंने अपने जॉन के मारा बड़ा धर रखा, हुक्का भी ना पियो मैंने सुबह से। तो करते क्यों हुआ आप ये सब? ए बाबू तेरे बारे में कहा कर दूंगा कि व्रत कहाँ चीज है। अच्छा बस बता कौन सी साड़ी पहनी आते हैं? मैंने तो लाल वाली पहनी है। लाल वाली? लाल कलर से बाबू तेरे पर बहुत ही सुंदर लगे। वैसे तो साड़ी कोई सी पहली हो, बस ब्लाउज ही वाला पहनी हो, डामा पीछे दिल बना रहा है दिल। ऐसा मन करा है तू आगे आगे चला मटक मटक के और मैं तेरे पीछे पीछे चलूं और तुम्हें फूल फेंक के मारूं वो भी गेंडा को। आप तो नॉटी होते जा रहे हो। नॉटी तो मैं बचपन से हुई हूँ, वह मंदे जमाने में जब कोई गर्लफ्रेंड का नाम भी ना जाने करो ना, जब भी मेरी 12-12 सेटिंग। आप तो अभी इतने सुंदर लगते हो, तब तो कितने सुंदर लगते होंगे। अरे सुंदर पुंदर तो कुछ भी ना, जब ये सारे गांव के लौंडा टम्पू में डोले करे ना, जब भी तेरा यार स्कॉर्पियो में डोले करो। अच्छा तू नू बता सौंध को मिलेगी कैसे कैसे? मैं शाम को आपको बाद में बताऊंगी, अभी ना मुझे बहुत सारे काम है। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, फोन रख रही हूँ मैं। पर बाबू आज तू कर लीजिए फोन, मैं ना पानी भी ना पिया सुबह से, तो देख के व्रत खोलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बाय। हाँ ठीक है ठीक है। चल भैया रोटी खा ले रहे घर। भाई 10 मिनट और रुक जाओगे तो हर कुछ बिगड़ जाएगा। मौने मौसु कही है वो फोन करेगी वो। अरे यार वा करना हो तो अब तक तो कर लेती यार। लौंडिया हमारी तरफ फ्री न डोलती रहती। अरे यार वो पर्सनल फोन है कर क्यों ना रही? तो भाई पर्सनल फोन ही तो है, पर्सनल घर थोड़ी ना है। घर में बाबा दादी मम्मी पापा सब रह गए, जब वो टाइम मिलेगी जब तो करेगी। यार हम तो जब सुई खड़े ले आ गए ना ले ले। हेलो हाँ बाबू। हाँ जी अब बताओ क्या कह रहे थे? कुछ ना बाबू मैं तो बस पूछ रहा हूँ तू आज मिलेगी कैसे? यार देखो आज मैं मिल नहीं सकती, प्लीज जिद मत करना। बाबू 1 मिनट को तो मिल ही सके है ना? नहीं यार आज मैं कहीं नहीं आ सकती, पापा दादी सब हैं घर पे। बस इतना कर ले तू शाम को कि 1 मिनट को ऊपर आ जावे, मैं बस तो 1 सेकंड देख लूं यार। नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नहीं आ सकती, समझा करो। अरे यार अच्छा तू एक काम कर सके अपनी छत पे तो आ जा। अभी छत पे क्या करोगे, अभी तो धूप होगी। कोई बात ना, शाम को चांद देखने से बढ़िया दिन में तू देख लूंगा, मेरी चांद तो तू ही है ना बाबू। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, पर हाँ सुनो गली में देख के आना, दादी बाहर हो सकती हैं। अरे बाबू तू आ तो सही, मैं बाबा दादी मौसा मौसी सबने देख लूंगा। अब रुको तो सही 5 मिनट, आ रही हूँ ना। हाँ हाँ बाबू आजा आजा जल्दी आजा। ठीक है अरे तू यू और बता दे सांझ को पैर का रही है? अरे दीदी मेरे दौरे तो हुई पड़ा बैंगनी रंग का, मैं तो वही पहन लूंगी, तुम कहाँ पहनोगी?
कल्लू के पापा लाए दिला के नया सूट, भाई पहन लूंगी, तू ना लाई नए लत्ता। अरे दीदी मैं जाती तो, पर नितिन मृदुल के पापा से मेरी लड़ाई होगी और वे थोड़ा बुरा मान गए, फिर मैं भी थोड़ी ऐंठ गई, या हमारा ना जा पाई। ए मैं तो अभी गई दादरी, एक सूट ले आई और करवा चौथ के बहाने से दो कानन के एक चैन भी ले आई है। दीदी सही में भाई साहब की आदत बहुत बढ़िया है, तुम्हारी बात तो मान ले कम से कम, और एक इन्हें देख लो, मैं तो लड़ती लड़ती रह जाऊं, एक भी नहीं सुनते मेरी। अब आप ही बताओ, मैं कोई सोने चांदी की चीज बनवाऊंगी तो मैं कहा खा जाऊंगी उन्हें, आगे बालकन के ब्याह होने हैं, उनके ब्याह में काम आएगी, पर ना इनसु कह दो तो इन्हें लगे हार मांग रही है, हार मांग रही है। अरे भाई साहब ले जा करो इन्हें भी, कुछ दिला ला करो इन्हें। उड़ा कहा दुआऊं मैं या गल सब वाली बात है, नौ कचरे की धार, नौ सोने के हार, या गुद्दी पर लगे दो चार और फिर भी कितनी सुंदर हो। देख रही हो दीदी, बस नहीं बोल बोल के तू तो वैसी बहुत सुंदर लगे, तू तो वैसी बहुत बढ़िया, कुछ भी न देवाते मो। पर तुम इन्हें छोड़ो दीदी, तुम नु बताओ तुमने मेहंदी क्यों ना लगाई। अरे मैं मेहंदी तो मांगने आई तो सू, मैं तो बातन में भूल गई। अच्छा मैं तभी कहूँ कि दीदी आज कुछ मांग क्यों ना रही, वैसे हमारे घर तक आने में रास्ता में 20 दुकान पड़े, वहाँ से क्यों ना ली। अरे मो पे खुले पैसा ना है, मो पे बंधा 10 का नोट और मेहंदी आ रही है 20 की। अरे दीदी मो पे तो बंधा खुला कैसा भी नोट ना है, मैंने सोची तुम तो मंगवाओगी, तुम्हारे में से ही लगा लूंगी, पर ना तुम भी मंगवाने की जगह मांगने ही चली आई। ए तू तो मेरा टाइम खराब कर रही है, यहाँ से बढ़िया तो कहीं और से मांग लेती मैं। चली गई, वो तो पहले ही बता मांगने आई, हाल तू माहौल बना रही, भाई साहब कपड़े दिला दो। भैया कहाँ रहेगी, 5 मिनट तो कब के हुए गए। चुप रहे ना, आ रही होगी, और वैसे भी लेट होके कहाँ जाना होता है। सारे काम के मारू का यो रोला से, छोरी नहीं वो तो बम्ब का रे गोला से, छोरी नहीं वो तो बम्ब का गोला से, वो तो चंदिरो हाँ, वो तो चंदिरो हाँ, वो तो चंदिरो हुई रे जवान, छोरे मार दिए वो काट के लेगी मेरी जान, छोरे मार दिए वो काट के लेगी मेरी जान। अभी थोड़ी देर बाद मैं छत पे जा रही हूँ, आप पीछे वाले रास्ते से ऊपर आ जाना। हाँ हाँ समझ गो, इरा मैं आ जाऊंगा, दिक्कत मत ले तू। अच्छा वैसे आज तो कपड़े बदल लिए ना आपने। ना ना जब तक तू दूसरी बुरसट ला के ना देगी ना, जब तक ये पहनूंगा, मेरी फेवरेट है यो। आप भी ना बहुत ही जिद्दी हो। अच्छा इससे पहले गुल्लू के पापा आए, आप आ जाना, मैं छत पे ही मिलूंगी। हाँ हाँ बस अपनी बहू निपटा लूं, जहाँ निपटाते गैल आ रहा हूँ, मौज ले बस तू। हाँ सुखबीर, अरे यार ये बहुत गलत हुआ तेरी गैल, तू दिखा मतले, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ आ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कहाँ चल दिया तुम, मैं थाली लिए खड़ी हूँ। अरे कहीं ना सुखबीर के लौंडा का एक्सीडेंट होगा, वहां दूर जा रहा हूँ। अरे तो पूजा तो करवा के जाओ। अरे आके करवा दूंगा, पूजा रुकता जा यार, वहां का लौंडा का एक्सीडेंट होगा तो पूजा की लग रही है। अरे मैं लेट हो रही हूँ और फिर यू चांद भी चला जाएगा। अरे बाबू चांद तो लुकड़ा ही रहेगा, पूजा तो मैं आके भी कर लूंगा, वहां का लौंडा का एक्सीडेंट होगा, थोड़ा जल्दी जाना। देख लो आज अगर तुम चले गए ना तो ठीक ना होगा। तो रुक रुक बस बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, रुक जा बस।
हेलो हेलो भाई साहब, नितिन मृदुल के पापा आए, वे फोन ना उठा रहे। ना भाभी, नितिन मृदुल के पापा तो ना आए। ना आए इस टाइम क्या करेंगे आके? ठीक है भाई साहब। बाबू यार बताओ, जब तू सोंज को मुंह मिली ना, जब से मेरा तो ऐसा लग रहा जब से चौंद निकल गया। और तो बताओ, इतना बड़ा घर है हमारा, इतना बड़ा घर है, यहाँ में सिर्फ दो जने रह रहे हैं। जब ही तुम्हें तो कहूँ जल्दी ब्याह करके आ जा, फिर देख क्या घर में बहू होएंगी दो दो। बालक होंगे, हम उनकी बुद्धि पर मारेंगे तीन चार खेच के। मजा याद आएगा। अरे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मो कहा पता कहाँ है? जाओ जाके देख के आओ। अरे हम क्यों देख के आवे, पापा रात में लोफड़ हुए डोल रहे हैं, मतलब थोड़ा हम भी डोलते रहेंगे। बिना फालतू की पापा कहाँ गए हैं? बाबू तू सुन मेरी बात, मम्मी ही फालतू बात करती रहे, तू सुना क्या वजह आ रहे हैं? बाबू कहाँ तू, जल्दी आ, छत पे आ गया मैं यार, कैस कैस तो बस बचाता आया हूँ, जल्दी आई अब तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाबू तू यहाँ कैसे आ गई? बाबू बाबू मैं माफ कर दे, यू ही है ना वहाँ सुखवीर का घर। बाबू अगले वर्ष मैं रखूंगा तो करवा चौथ के बरात, बस यहाँ फिर माफ कर दे कैसे भी। तुम्हारा करवा चौथ ना दशहरा मनेगा। दबाते ही हमारे हो जाएंगे 16 मिलियन सब्सक्राइबर। तो दोस्तों आप सबको 16 मिलियन सब्सक्राइबर की हार्दिक शुभकामनाएं, और करवा चौथ की वीडियो आप सबको कैसी लगी वो जरूर बता देना कमेंट में, अपनी बाबू को जरूर शेयर करें, और उनसे पूछा कि आपने उनके लिए व्रत व्रत वगैरह कुछ रख रखा है क्या, चांद देख के आए हो क्या चलनी में। और अगर आप लोगों के पास कोई बढ़िया सा ओपिनियन है तो उसे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खराब ना करें, प्रोमो पे अपना ओपिनियन देके पैसा कमा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा ₹2500 का वेलकम बोनस। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए, जल्दी जाके हमें फॉलो कर लो और दबा के मैसेज करो किस किसने व्रत रखा, जल्दी बता देना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नई नई वीडियो के साथ, ऐसी मौज लेते रहे, आप हंसते रहो हम हंसते रहेंगे। राम राम जी, बाय बाय।